કરો હા ઉપર ઉચકી લાગો ઉચકાતું નથી હાર વાર બસ ઘરે પહોંચાડી દેશો ને किसी का कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिसका भी हुआ है वो सबका बुरा ही हुआ है। जिसका खेत में कुछ भी फसल उगाया होगा उसका भी नुकसान हुआ है, तकलीफ हुई थी वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन अपना वाला ये वाला दाढ़ी निकाल दिया था ना, वो वाला ब्लॉग बनाया था, तब से आज पहली बार ये वाला ब्लॉग बन रहा है। सही में मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये वाला मैंने शेविंग करवाया था ना। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल 34 आइडियाजेशन। सो फाइनली अपना प्यारे से बाइक, और आज हम गए थे अभी कॉलेज में। सो अभी निकल रहे हैं अपने घर से गाइस, अपना फैन फॉलोइंग यहाँ। अब निकल रहे हैं प्यारी से राइड पे, अभी फाइनली जा रहे हैं घर पे। बहुत दिनों बाद अभी अपना ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो आप सभी को पता ही होगा बारिश कितना ज़्यादा हो गई, कितने लोगों का नुकसान हुआ वो सब कुछ पता होगा। सो अभी पहले तो अपना पढ़ाई करने का थोड़ा बहुत सामान लेना है, मतलब बुक्स लेना है, वो पहले बुक्स ले लेता हूँ। तो अभी अपना फ्रेंड इधर ही पहुँच गया है, सो पहले बुक का तगड़ा वाला सीन लेते हैं। तारे ले भी से इंग्लिश ले लेते हैं, व्हाट्सअप करिए आप इसका। हाँ तो कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं रहा दो खाली आने बंद बस आने आने आ रहे दो आप इकोनॉमिक्स का ना आई जैसे लाई है इतना मत दे। तो गाइस अभी फाइनली ना मैंने अपना बुक्स भी ले लिया, बॉल पेन सब कुछ ले लिया। अभी जीने के लिए पढ़ाई भी करना ज़रूरी है और कमाना भी ज़रूरी है, तो हम ना सब कुछ साथ लेके चलते हैं अभी, कमाने का और पढ़ाई करने का सब कुछ। तो अभी पहले निकलते हैं, भी अपने साथ है अज्जू, नए वाला न्यू फेस आए हैं अपने साथ। सब निकलते हैं यहाँ से भी, आज तो मैं पेट्रोल भी नहीं डलवाऊँगा, अपना तो बहुत सारा पेट्रोल पड़ा हुआ है। अंदर ही गाड़ी डाल दिया है। तो गाइस अभी तो पहले ना अज्जू को उसके हॉस्टल पे छोड़ देता हूँ, देन उसके बाद मैं तो घर पे चला जाऊँगा, और अब वो रहेगा यहाँ एकेडमी पे। ताड़ी मत पूरी कर क्यों अँ आने मूको आयो तो घर जाऊँ ना रे कॉलेज आयो तो हाँ बे भाई हमें तो आई गया 7 और 10 गया था आया, थोड़ा बहुत कुछ लेना था वो ले लिया अपने दोस्त को, इधर छोड़ के अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। अपना फेवरेट गेम ना आर्चरी देख सकते हैं यहाँ, ये पूरा ग्राउंड बस आर्चरी के लिए है यहाँ। और दूसरा गेम तो मुझे लगता नहीं है, जब मैं आर्चरी गेम खेल रहा था ना तो मेरा भी एक बार स्टेट लेवल का इधर गेम हुआ था। फाइनली गाइज अभी ना बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग आ रहा है, और उसका मेन रीज़न था वो अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कितने लोगों को तकलीफ़ हुई है, कितने लोगों का अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से तो ये बारिश हुआ है ना उसमें किसी का कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिसका भी हुआ है वो सबका बुरा ही हुआ है। जिसका खेत में कुछ भी फसल उगाया होगा उसका भी नुकसान हुआ है, जो सिटी में रहता होगा कुछ धंधा कर रहा होगा उसका भी नुकसान हुआ है, किसी का घर डूब गया, किसी का कुछ डूब गया, बस ऐसे बहुत सारी तकलीफ हुई थी, वो एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न अपना वाला ये वाला दाढ़ी निकाल दिया था ना, वो वाला ब्लॉग बनाया था, तब से आज पहली बार ये वाला ब्लॉग बन रहा है। जो पसंद आया था ये सब निकालने का। और गाइज अभी ना व्यू चेक मारो कैसा लग रहा है, अभी बारिश ना फाइनली बंद हो गया है, बट व्यू ना कुछ अलग और बहुत अच्छा लग रहा है, और अपना व्यू भी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है फाइनली। अभी मेरा दाढ़ी मिनिमम 20 दिन हो गए यार इतना दाढ़ी लाने में, और मैं ना सही में मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये वाला मैंने शेविंग करवाया था ना उसी टाइम। तो अभी मैं आज कॉलेज आया था, और मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग बनाने जैसा है, अभी थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखता है, तो मैंने फाइनली ये वाला ले लिया। और गाइज अभी चेक मार यार कैसा क्या व्यू आ रहा है, और अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से ये पूरा पानी ना बस पीला सा हो गया है,
और देख सकते हैं गाइज आज तो मैं अकेला है और मेरे साथ आया था अज्जू ब्रदर, बट उसको मैंने हॉस्टल पे छोड़ के ना अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। और अपना बाइक अभी देख सकते हैं गाइज कुछ उस तरह से दिख रहे हैं। और ये वाला मडगार्ड ना अभी एक दिन में पूरा मिट्टी में फंस गई थी ये वाला गाड़ी, तो ये वाला फैन टूट गया था, बट कल फिर से रिपेयरिंग करवा दिया है। जुगाड़ तो जुगाड़ ही होता है। सो अभी ऐसे हम निकलते हैं दूसरी जगह पे और देख सकते हैं गाइज ये वाला व्यू, और अपना भी उस तगड़ा वाला सीन हो रहा है। और क्या बताएं गाइज, बस अपना ब्लॉग इतना अच्छा और हो सके इतना तो मैं बना रहा हूँ अपने मेरे एंगल से बना रहा हूँ जितना हो सके इतना अच्छा, बट गाइज थोड़ा सोपट की ज़रूरत है गाइज। और अभी मेरे फादर का भी फ़ोन आ गया गाइज, अभी देख सकते हैं। सो उसी से बात कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपसे बात कर अपने घर से। तो अपने पल्सर से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी आप एक बार बड़ी वाली गाड़ी ले लो, बड़ी वाली बाइक ले लो, बट गाइज बजट भी होना चाहिए। और जितना हो मेरा टारगेट चल रहा है ना इतना होता नहीं है ये वाली बाइक से, तो उम्मीद करता हूँ। वैसे तो मेरा भी ड्रीम है उस दिवाली पे मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छी वाली ड्रीम और अच्छी वाली चीज़ देखने को मिलेगा, और उसी से बस मुझे सपोर्ट करते रहो। और हम भी ऐसा लाएंगे ना जो अपने जीजे 34 मतलब अभी अपने ज़िले में किसी की है नहीं ना, ऐसी हम वाली बाइक ले आएंगे। बट हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बस उतना करते रहो। और आज का वीडियो सब पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो और ऐसा वाला एरिया बस देखते रहो यार। ये सुकून की ज़िंदगी है और ये सुकून से जी लो बस, और कुछ नहीं बताया था उसी तरह से। अभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से देख सकते हैं यार यहाँ ना रास्ता ब्लॉक हो चुका है, बट बस छोटा वाला बाइक मतलब टू व्हीलर तो यहाँ जा सकता है, बट फोर व्हीलर कैसे जाएगा यार, रास्ता देख सकते हैं ये हालत हो गई है यार, ये ना पूरा रास्ता जाम हो चुका है। बट कैसे भी करके हम यहाँ आ गए। करो उछके लागो उछका तो ना थे। हाँ रो रो मैं पकड़ू ना। हाँ काका लो उठाओ ना, बस घर पहुँचा देसो ने बस। हारो 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 जाओ था है ना। हाँ हाँ गाइज अभी देख सकते हैं ये वाला अंकल ना ये कुछ खाना बनाने के लिए ले जा रहा है, बस उसका मैंने थोड़ा सा मदद कर लिया है। बस आप भी ऐसे मदद करते रहो यार, आज मेरे नसीब में पता नहीं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ मिली है मुझे मदद करने के लिए, और जो भी मुझे मदद करने को मिल रहा है ना वो मुझे बहुत सुकून देता है। गांव की ज़िंदगी देख सकते हैं कैसी है। आपने ये वाला ब्लॉग में ना ये वाला मुझे टॉपिक अच्छा लगा है, सकते हैं अंकल आंटी वो अपने भाई बेस के लिए कुछ खाना ले जा रहे हैं, और बस गाँव में बस ऐसा ही चल रहा है। बट ये वाला रास्ता भी जो देख सकते हैं ना ये वाला थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, पर जो भी है लेकिन सब हैप्पीनेस में है। गांव में रहो या मतलब हैप्पीनेस ही समझो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिटी में नहीं अच्छा है, मतलब जहाँ जाओ जिसको जहाँ मन पसंद हो उधर ही अच्छा लगता है। बस ये वाले टॉपिक में ये वाला थोड़ा बहुत सीरियस था वो मैंने दिखा दिया, बाकी का बस खेत ही देख सकते, यहाँ कुछ नहीं देखने को मिला बस यहाँ खेत। ये वाला एरिया में तो पहाड़ भी नहीं है, ये अपने गांव में भी नहीं है ना इसीलिए ऐसा है, बट मेरे गांव में तो बस पहाड़ नदियाँ बस वह सब कुछ ही देखने को मिलता है।